उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल को दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। वहां एक महिला अपने 2 वर्षीय बच्ची के साथ सो रही थी, क्योंकि एक गरीब परिवार से न कोई दरवाजा न कोई ढंग का बिस्तर, लेकिन अपनी बच्ची को लेकर के वो सो रही थी। इसी दरमियान एक व्यक्ति जिसका नाम मोइश बताया जा रहा है, लड़के का नाम मोइश है, जो कि बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है, वो वहां काम करता था। उस लड़के ने उस 2 साल की मासूम सी बच्ची को, जब वो माँ के साथ सोई हुई थी, उसे उठा लिया और उठा करके वहाँ से लेकर के भाग गया। ले जाने के बाद ये खबर सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि उस 2 साल की मासूम सी बच्ची के साथ बलात्कार। कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि ये लड़की छोटा कपड़ा पहनती थी, इस वजह से इसके साथ बलात्कार हुआ। तो सवाल ये है कि उसी हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें क्यों सामने आई कि कभी 2 साल तो कभी 2.5 साल तो कभी 3 साल तो कभी 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। उसने कौन सा ऐसा लिबास पहने हुआ था जिसकी वजह से लड़के उत्तेजित हो गए। 85 साल की बूढ़ी अम्मा का बलात्कार घर में घुस करके जब कोई इंसान कर देता है, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है कि 85 साल की अम्मा ने कौन सा ऐसा कपड़ा पहना था जिसकी वजह से कोई मर्द उत्तेजित हो गया और उसने जाकर के उस महिला का बलात्कार कर दिया। यकीनन लिबास पर जो इल्ज़ामात है वो एक ढोंग है। असल वजह तो यह है कि लोगों के जहन में हैवानियत है। नतीजा ये है कि मोइश नाम का एक लड़का जो है, मोइश जैसा व्यक्ति जो है, वो किस तरह से एक 2 साल की बच्ची को उसकी माँ की आगोश से उठा करके ले जाता है और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर उसे लगता है कि कहीं फंस ना जाए, इस वजह से उस 2 साल की बच्ची को मार करके नाले में, गटर में फेंक देता है। जब इस पूरे मामले के बाद CCTV फुटेज सामने आते हैं और कई तरह से जाँच पड़ताल किया जाता है, पता चलता है कि जो बच्ची है उसके जिस्म से खून बह रहा था, और उस पूरे मामले के बाद 2-2.5 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में उसके पैरों में गोली लगी है, वो घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये उसी लड़के की है जो बिहार के पूर्णिया का बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस लड़के के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसे जल्द से जल्द सज़ा नहीं दे दी जाए। मेरा तो मानना है कि इस देश में कम से कम, और कानून का पता नहीं, लेकिन कम से कम बलात्कार जैसे मामलात में इस्लामिक कानून, एक शरिया कानून को लागू कर दिया जाए और जो भी बलात्कारी है उसे सीधे ऐसा सबक सिखाया जाए कि दुनिया वाले जो हैं उस सज़ा को सुनने के बाद उनके रूह थोड़े कांप उठे और वो सोचने पर मजबूर हो जाए जब आइंदा कभी वो इस तरह का काम करने का सोचे। मोइश नाम के व्यक्ति ने ये रेप किया था। इस पूरे मामले की जानकारी हमने आपको दी है। आगे इस पूरे मामले में और भी कुछ जानकारी जो मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। यूपी के मेरठ में 2 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला है। पुलिस ने सूचना मिलने के 2 घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। माँ के साथ सो रही थी, आरोपी उसे उठा ले गया और फिर घिनौनी कृत्य करके का अंजाम दिया। आरोपी पूर्णिया जिले बिहार का रहने वाला है। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सवाल ये है कि आखिरकार इन मामलों पर रोक कब लगेगा। अपनी राय देना ना भूलें।